नमस्कार दोस्तों, मैं अजय रेड्डू एक बार फिर से स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल अजय रेड्डू डायरी फार्म पर। तो भी आज की वीडियो एक और जो है स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जी, क्योंकि कल जो KDFA मेले का जो समापन था तो उसके बाद भी हमारी भी जो है घर जाने की तैयारी थी। तो रास्ते में भी गाँव की बात करें तो सिंगवा खास, एक भाई मैं बात बताना चाहूँगा कि भाई सिंगवा खास एक पशुपालन में एक मुर्रा का जो गढ़ माना गया है, तो उसी गांव से ये वीडियो लेके आए जी एक शानदार बुल की। क्योंकि अभी रास्ते में ताऊ जी जो है बुल को लिए हुए थे, अपने खेतों में लेके आए थे, तो हमने देखा भी कि एक शानदार बुल है, तो इसकी भी वीडियो शूट की जाए। क्योंकि लगभग प्रयास रहता है जी कि भाई जो सेल परचेज वाला पशुधन है या फिर एक शानदार जो ब्यूटी वाला पशुधन है, सभी को जो है कवर करके आप सभी भाइयों के समक्ष लेके आया जाए। तो आज की वीडियो एक बुल की वीडियो है जी, काफ़ी शानदार जो बुल है, लगभग जो डिटेल है भाई साहब से लेंगे, क्योंकि भाई ताऊ जी जो है बुल को पकड़े हुए हैं, लेकिन भाई साहब जो है भाई कैमरे के सामने आना जो पसंद नहीं करते, तो वो बैक कैमरा जो भी डिटेल है पशुधन की देते रहेंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, सारे दर्शक राम राम। राम राम भाई साहब। तो लगभग भाई साहब सबसे पहले तो बधाई हो आपको, क्योंकि एक जो सिंगवा खास एक मुर्रा का गढ़ माना गया है, इसमें चाहे एक रेट की बात करें तो काफ़ी जो महंगे महंगे पशुधन बिके यहाँ से गए हैं, और बिल्कुल भाई साहब दूध तलवाने की जो बात है तो उसमें भी सिंगवा खास का कहीं ना कहीं जो है नंबर वन पे नाम आता है हरियाणा में, पूरे हरियाणा पंजाब की जहाँ भी मतलब मुर्रा का जो शौक है वहाँ पे सब जगह जो सिंगवा खास का एक नाम है भाई ऊंचाइयों में। तो सबसे पहले तो बताइए भाई साहब, बड़े भाई आपको, तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब अपने बुल की, तो एक बार डिटेल बताओ भाई साहब बुल की। भाई साहब ये खीरा अभी लगदाद नहीं करे है इसने। अच्छा जी खीरा है। खीरा जी भाई साहब, ठीक है जी, एक बार हाँ हाँ बिल्कुल दांत दिखाएंगे तो। हाँ हाँ, इसकी माँ का भाई साहब तीसरे ब्याह में 20+ दूध अपने गांव में ही है। अच्छा अपने गांव में ही खड़ी है। अपने गांव में अभी फिलहाल है। ठीक है जी। इसकी जो ब्रेड लाइन की बात करें तो जो 25 लाख रुपए की लक्ष्मी बिकी थी अपने गांव से, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं उसी ब्रेड लाइन से ये भी बिलोंग कर रहा है भाई। अच्छा जी, उसी ब्लड लाइन से जो लक्ष्मी सेल हुई थी 25 लाख की। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, इसकी माँ है और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की माँ थी, इसकी माँ नुकाश का भी मौसी मौसी है। अच्छा मौसी मौसी है जी। ठीक है जी, ठीक है। तो बात करा भाई साहब एज की, तो एज कितनी होगी अपने बुल की? एज इसकी भाई साहब 26-27 महीने हुई। 26-27 महीने, तो लगभग मेरे हिसाब से जो है 2.5 साल का 30 महीने का जो कटड़ा दांत तोड़ता है। दांत देख लो जी भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब दिखाना पसंद करांगे। ताऊ जी एक बार दांत जरूर दिखाओ बुल के। तो भाई बिल्कुल प्रमाण के साथ है जो एक खीरा कटड़ा है, बिल्कुल दिखाना पसंद करेंगे के भाई जो है दांत वो बिल्कुल खीरा जी। ये देखो भाई एक दांत तोड़ दिया भाई साहब, ये कल ही तोड़ा अभी भाई साहब, परसों लग खीरा था, बिल्कुल देखो कल ही तोड़ गया भाई साहब ये। हाँ हाँ कल तोड़ गया, तो बिल्कुल जो है कल भाई साहब ने बताया अभी कल ही तोड़े हैं। तो भाई साहब अब जो है इसकी गिनती दो दांत पता पकड़ा। नहीं था भाई साहब ये अभी पता चला भाई, दो हो गया नहीं कल परसों लगे। अच्छा अच्छा, अब तो भी पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो देखो पता भी नहीं था कि भाई वीडियो शूट होगी। मैं तो देखो रास्ते से जा रहा था तो भाई एक शानदार जो बुल है वो दिखाई दिया, तो भाई सोचा क्योंकि भाई लोकेशन भी बहुत बढ़िया है जो खेतों की अपनी हरियाली है, तो एक वीडियो है शानदार वीडियो लेके भाई साहब इसने रोज घुमाने ले आ रहे हैं अपना अंकल जी, रोज सुबह सुबह घुमाने ले जा रहे हैं। ठीक ठीक, जरूरी भी है भाई साहब, बड़े भाई बिल्कुल जरूरी है। तो आपने उम्र है जो लगभग 26 महीने बताई, और दांतों में बताना चाहूंगा भाई सभी भाइयों को, क्योंकि भाई एक बुल है वो डाइट पे निर्भर करता के भाई बुल जो है लगभग 26-27 महीने का भी दांत कर देता है। तो उसके बाद जो है बात करें भाई साहब बुल की, तो ये देखो भाई जो चारे मोरे की बनावट है वो काफी शानदार है, और सिंगों की क्वालिटी वो ये देखो भाई काफी शानदार जो बुल है, और हाइट लेंथ काफी शानदार। एक जो है दो दांत बुल की बात करें, क्योंकि भाई जो लगभग जो है गिनती दो दांत में ही इस बुल की करेंगे। कल ही भाई साहब ने बताया कि भाई इस कटड़े ने जो है दांत तोड़ दिया, और जो टेस्टिकल वगैरह है ये देखो भी, क्योंकि यहाँ भाई साहब ने जो बता रहे थे वीडियो से पहले भी कि भाई यहाँ लेके आते हैं और भाई इसको नहलाना दहलाना लगभग जो है ताज़ा पानी है। KDFM भी ले गए थे भाई साहब। अच्छा जी, अच्छा तो क्या था शाम को हमने पता करा भाई इसका रिंग किस टाइम, बोले सुबह होगा, अब कैंसिल हो गया, हम घर पे लेके आओ, फिर रात को 11 बजे रिंग लगा दिया, पहुँचने नहीं। अच्छा थोड़ा लेट हो गए फिर आप, हम घर पे ले आए फिर बाद में 11। अच्छा दिन में आप लेके गए थे तो रिंग लेट हो गया था। रिंग नहीं, शाम 3 बजे रिंग था तो हाँ। लेट हो गए थे, हमने कमेटी हाँ। से पता करा भाई खीरे कटड़ा रिंग है या नहीं है, बोले हाँ। भाई अब तो नहीं होगा, सुबह लिया, ये सुबह करवाए तो हम घर ले आए हाँ। फिर रात को 11 बजे क्या फैसला लिया, रात को 11 बजे हो गया इनका रिंग। अच्छा तो पहुंच नहीं पाए भाई। ठीक 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 ठीक, तो आप थोड़ा मतलब घर ले आए थे तो लेट हो गए तो रात को पता नहीं चले आपने। बिल्कुल एक भाई शानदार जो बुल है, पिट पुट्ठे की बनावट देखो भाई, और जो खड़े होने का रोब वगैरह है वो बिल्कुल बुल का एक शानदार बुल भाई। तो भाई साहब लगभग बात करा फादर साइड की, तो फादर साइड कौन सी है इसकी?
फादर साइड भाई साहब ये एबीसी सीमन का है, पता तो है नहीं कौन सा नंबर था, लेकिन एबीसी सीमन अपने एक अशोक डॉक्टर वो टिके रखिया करे। अच्छा मतलब उस पर रखवा, विश्वास वाला डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल भाई। तो भाई साहब ने बताया अभी एबीसी सीमन बैंक से जो एक बुल का जो सीमन से इसकी माँ को जो प्रेग्नेंट करवाया था, तो एबीसी सीमन बैंक के ही मतलब बुलों का ये बच्चा है जी। और काफ़ी शानदार जो एबीसी सीमन के भाई जो रिजल्ट देखने को मिले हैं, ये देखो अभी आपके बिल्कुल कैमरे के सामने एक और रिजल्ट है जी, काफ़ी अच्छी जो हाइट लेंथ का बुल है। तो भाई साहब लगभग बात करा, देखो आपने तो मुझे बुलाया भी नहीं, लेकिन एक शानदार जो पशुधन है हमेशा वही दिखाने का प्रयास रहता है। तो अब बात करें सेल के लिए है या नहीं है भाई साहब? भाई साहब देखो ऐसी ऐसी चीज़ वैसे तो सेल करी नहीं जाती। हाँ हाँ। लेकिन अगर फिर भी कोई पंचायत पंच उतारी तो विचार कर भी सका, नहीं तो सेल के लिए नहीं है भाई साहब। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब। तो लगभग बात करा भाई साहब, अगर कोई पंचायत लेना चाहे तो उनका अलग से कोई मान सम्मान है कुछ, मतलब एक देखो पंचायत एक भगवान का रूप है। पंचायत आओगी तो तभी, वैसे तो बेचने का मूड भी नहीं है, अगर पंचायत आओगी तो कर ले भाई साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बात रेट के करा भाई साहब, मौके का करोगे या वीडियो में? मौके का करा, रेट पंचायत के। बिल्कुल 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 भाई साहब, देखो पंचायत के साथ जो है रेट करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने जो स्पेशल बोला भाई, अगर कोई पंचायत लेना चाहे तो पंचायत को देना पसंद करेंगे। और भाई एक शानदार जो बुला भी लगातार प्रयास रहता है कि भी अच्छे से अच्छा जो पशुधन वो दिखाएं। तो एक बार फिर से जो है बुल को कवर करना चाहेंगे, ये देखो भी काफ़ी शानदार जो बुल है, और भाई लंबी गर्दन बिल्कुल ब्लैक गोल्ड भाई, जो काला सोना बोलते हैं भाई हरियाणा का। ये देखो भी शानदार जो मुर्रा का बुल है भाई, और हाइट लेंथ काफ़ी शानदार है, और जो टेस्टिकल वगैरह ये देखो भाई काफ़ी शानदार जो बुल है। तो भाई साहब एक बार लास्ट में और के कुछ कहना चाहोगे बुल के बारे में? भाई साहब ये ताऊ जी है, जब पहली बार 1995 में निवास लगी थी इसकी। अच्छा। 26 प्लस का तब भी दूध से 1995 में 26 प्लस का बिल्कुल भाई साहब मायने काटे नहीं, तगड़ी टूटा कर दी ये ताऊ जी। अच्छा अच्छा विचार लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ताऊ जी के भी विचार लेंगे। लो ताऊ जी माइक पकड़ लो, इसमें बोलते रहियो। तो राम राम ताऊ जी। राम राम। तो ताऊ जी लगभग बड़े भाई ने बताया 1995 में 26 प्लस दूध तोलिया है, तो थोड़ा बताओ एक बार उस टाइम पर जो है आपने मतलब के कुछ डाइट रहा कर दी, के खिलाया पिलाया कर दी भाई? हमें तो चने के लिया करते चने। ठीक है, तो उस टाइम पर लगभग आपने 26 किलो दूध तोल दिया था? हाँ। ठीक है ठीक है, देखो काफी सराहनीय जो काम है ताऊ जी। उस टाइम पे 1995 की बात करा तो 26 किलो दूध अपनी भैंस ने घर पे दिया है, पाडन चुंगा है क्या? हाँ। उसका अलग जो दूध था 26 किलो था। अच्छा जी, बहुत मायने रखा है, बहुत ज्यादा दूध हो जाए जी। देखो लगभग बात करा टाइम का, आपने लगभग 1 किलो तो जरूर पिलाया होगा या छिकाए दिया था? हाँ। तो लगभग बात करा बड़े भाई 28-29 किलो दूध तो जरूर हो गया होगा, है नहीं? बिल्कुल, उसका काटड़ा फिर डॉक्टर ले गए थे, 50,000 का 56 काटड़ा किसी ये जो पशुपालक ने पता भी 56 काटड़ा इसी ताऊ का था। अच्छा आपका था 56 जो HLDB जो बुल है 56 उसी पास का था, इसी ताऊ से गए थे। अच्छा वो 26 किलो वाली जो 1995 तो ले उसका कटड़ा था 56। अच्छा ताऊ जी के पास से लेके गए थे। तो भाई देखो भाई बिल्कुल जो भाई बोलते हैं भाई जो HLDB के जो बुल है वो कहाँ से लेके आते हैं, उनकी माओ का जो है रिकॉर्ड कितना है और फादर साइड कौन सी है, आज की वीडियो में भाई साहब इस चीज़ का भी खुलासा कर दिया है कि भाई जो 56 बुल है HLDB का वो सिंगवा खास गांव से गया ताऊ जी के पास से, जिसकी माँ ने 1995 में 26 प्लस दूध तो लिया है भाई साहब। तो ताऊ जी लास्ट में क्या कहना चाहोगे अपने बुल के बारे में, बताओ कुछ थोड़ा बहुत? आपने मतलब तैयार कराया है घर पर, तो के कितनी मेहनत कर रहे हो इसके ऊपर? मेहनत तो नू से पूरी सेवा करा हर आमी तो घर का भी चलावा। ठीक 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 बिल्कुल ताऊ जी, मेहनत तो बहुत हो जाए बुल तैयार करने में। ठीक है, तो ताऊ जी एक बार अपने दर्शकों ने राम राम कर दो लास्ट में। राम राम भाइयों। तो राम राम अभी सारे भाइयों ने, धन्यवाद है।